वेलकम टू एक्सेलेंट क्यूज। एक्सेलेंट क्यूज में आपका स्वागत है। इस क्यूज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके के 10 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन एक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या फिर डी कृषि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। क्वेश्चन दो, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए डुरंड योजना, बी मिंटो मार्लो योजना, सी माउंटबेटन योजना या फिर डी वेवल योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन तीन, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? ए टॉलमी ने, बी कांट ने, सी वरेनियस ने या फिर डी हम्बोल्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कांट। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO या फिर डी UNO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NSSO। क्वेश्चन पांच, पारसेक इकाई है ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की या फिर डी चुंबकीय बल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूरी का। क्वेश्चन छह, किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी उपरोक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन सात, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट, बी डायोप्टर, सी ओप्टर या फिर डी मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डायोप्टर। क्वेश्चन आठ, विरंजक चूर्ण क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या फिर डी अपरूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। क्वेश्चन नौ, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलीन या फिर डी कैमोट्रिप्सिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी टाइलीन। क्वेश्चन 10, 1 किलोबाइट के भी कितने बाइट के बराबर होता है? ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1024 बाइट।
हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।